मुरादाबाद में हुई पत्रकारों के साथ अभद्रता और मारपीट की घटना का गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सदस्यों ने निंदा की है और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है, जिसको लेकर अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन प्रेस क्लब के सभागार में किया गया, जिसमें मुरादाबाद में गुरुवार को पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछे जाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए मारपीट की निंदा की गई तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी ने कहा, साथी पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उस पर उनके कार्यकर्ता तो भड़के, अखिलेश यादव जी भी नाराज हुए और वहाँ धक्का मुक्की हुई और पत्रकारों को छोटे हुए। इस तरह की घटना लखनऊ में भी हुई थी, जहाँ पर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा कि कैसे विज्ञापन मिलता, मैं जानता हूँ तुम लोग एक पार्टी के लिए काम करो, इस तरह के समाचार आरोप लगाए। पत्रकार को वो अपनी ड्यूटी करता है, पक्ष और विपक्ष सरकार और विपक्ष सवाल पूछता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, कोई उसका उचित उत्तर देता है, कोई आक्रोशित होता है। उसको लगता है कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, संवैधानिक पद पर रहे हैं और उनके द्वारा यदि इस तरह की घटना और ऐसे लोगों को पोस रहे हैं, पोषक रूप में कार्य कर रहे हैं, कोई निंदनीय है, यह नहीं होना चाहिए था। इस तरह से हरकत और इस तरह से अगर हमले कराए जाएंगे हुए हैं, क्योंकि बीते कुछ समय से पत्रकारों पे हमले पड़ गए हैं, कभी खनन माफिया करते हैं, कभी अधिकारी करते हैं, कभी समाज के अन्य जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं या पत्रकार सच दिखाते हैं तो वो भी करते हैं। लेकिन यदि सरकार या राजनीतिक पार्टी या फिर ऐसे जिम्मेदार लोग अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो निंदनीय है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अभी मुरादाबाद के दौरे पर थे, संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके उपस्थिति में जो पत्रकारों पर हमला हुआ या फिर लखनऊ में उन्होंने कहा कि तुम, मैं जान रहा हूँ किसके कहने पर सवाल पूछ रहे हो, कैसे विज्ञापन मिलता है, इस तरह की चीज़ें ऐसे गंभीर लोगों से को कतिपय नहीं करना चाहिए। इस तरह के व्यवहार उनसे इस बात की समाज आशा नहीं करता या मर्यादित है। यदि आपको कोई दिक्कत है, आपको बहिष्कार करना, तो उसके लोकतांत्रिक तरीके भी हैं। आपको लगता है आप मत जवाब दीजिए, आप गिने चुने लोगों को बुलाइए, आप मत बुलाइए, लेकिन आप बुला के यदि आपके लोग इस तरह से पत्रकारों पर हमला करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो पत्रकार संगठन हैं सभी इसका विरोध कर रहे हैं, यह निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारी मांग यही उत्तर प्रदेश सरकार से, हमने मांग की, एक पत्र दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि जो भी इस घटना में शामिल रहे हैं वह किसी जाति, किसी मजहब, किसी पार्टी से हो, उनकी गिरफ्तारी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन कोई ठोस कदम उठाए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बाबत एक ज्ञापन भेजा है, फैक्स किया है, मेल किया है उनके सीएम सेक्रेटरिएट में और मुझको लगता है इस पर निश्चित तौर पे वह कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, काली पट्टी बांध के हम लोग कार्य कर रहे हैं और उस बाबत एक हम लोगों ने बैठक बुलाई थी जिसमें क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए उस पर हम लोगों ने चर्चा की है और सबकी यही मांग रही है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी हो, मुकदमे हो और भविष्य में पत्रकारों को सुरक्षा मिल जाए और इसके लिए भी सरकार कुछ और ठोस कदम उठाए।